हाय बच्चा पार्टी, चैप्टर नंबर 16 एंड टॉपिक नंबर 1 ऑफ चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस. And it has been very well said that the Indian culture, Indian civilization always believe in the thought, always believe in the psychology, philosophy that Vasudev Kutumbakam, मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया हमारा अपना परिवार है, पूरा विश्व हम सबका परिवार है, ये मेरा नहीं, ये सब हमारा है, right? और अब तो क्या thinking हो रही है, मेरा मेरे बाप का, तेरे में मेरा भाग. ये तो अच्छी बात नहीं है. ये तो ऐसा हुआ कि वी आर ईटिंग द होल अर्थ, ऑल रिसोर्सेज ऑफ लेट इट बिलोंग्स टू मी. सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारे रिसोर्सेज मेरे खुद के हो जाए, मैं ही खुद सब कुछ खाऊं, भले ही मैं मोटा मोटा होके फट जाऊं गुब्बारे की तरह, वो मंजूर है, लेकिन बांटना हमें मंजूर नहीं. क्योंकि क्योंकि हमें एनर्जी की, रिसोर्सेज की इतनी बड़ी भूख है कि हम खुद पृथ्वी को खाते जा रहे हैं. लेकिन इंसान ये भूल जाता है, हाँ इंसान ये भूल जाता है कि जिस डाली पे वो बैठा है उस डाली को वो काट रहा है. और आपको बच्चों अच्छी तरह मालूम है कि जिस डाली को हम काट रहे हैं, वो डाली अगर कट जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम सीधे नीचे खाई में गिरने वाले हैं. लेकिन इंसान है कि मानता नहीं, उसकी भूख कभी मिटती नहीं. ये दौर, ये पानी का वॉटरफॉल आप देख रहे हैं, किस मूवी का है? ये है बाहुबली. आपने डेफिनेटली ये मूवी देखी होगी. कितना मानो कि दूध जैसा पानी बह रहा है, ठीक है ना? कभी हमारी गंगा नदी भी इतनी ही साफ सुथरी, इतनी ही बस दूध की तरह पवित्र, ओली पायस हुआ करती थी. लेकिन आज क्या हालत हो गई है? जब गंगोत्री से गंगा नदी निकलती थी तो ऐसे ही दूध की तरह हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे गंगा नदी इलाहाबाद, कानपुर, पटना से होती हुई, डायमंड हार्बर कोलकाता से होती हुई बंगाल में मिलती है, तब वो किसी गटर से कम नहीं रह जाती. ये सारा इतना कचरा निकाला किसने, दिया किसने गंगा को ये भेंट? गंगा है कि बेचारी सहन करती जाती है, सहन करती जाती है, वो कुछ कह भी नहीं सकती है क्योंकि हम तो सब उसके बच्चे हैं. लेकिन गंगा है कि बस गंदी होती जाती है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साफ करने का? ये 1985 में अगर आपने मूवी देखी हो तो राम तेरी गंगा मैली राज कपूर जी पिक्चर लेके आए थे और कहते थे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई. आज भी ये वक्ति, आज भी ये फ्रेश उतनी ही सूटेबल है जितनी 30 साल पहले हुआ करती थी. गंगा को हम सब लोग मैली कर रहे हैं. गंगा को साफ करने की, साफ रखने की हम सबकी जिम्मेवारी है. अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को ताजुब होगा, यू विल एस्टोनिस्ट नो दैट जब गंगा गंगोत्री से निकलती है उसमें कोलिफॉर्म, या कोलिफॉर्म बबुआ क्या नाम है भैया, ये कोलिफॉर्म एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट में हुआ करता है. मतलब कि एनिमल किसी भी प्रकार के हो, जैसे वेदर ह्यूमन और डिफरेंट एनिमल्स, उसके पेट में ये कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया हमारे टॉयलेट के थ्रू बाहर निकलता है. तो आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे जैसे गंगोत्री से गंगा आगे बढ़ती है, कानपुर, वाराणसी, पटना से होती हुई जैसे आगे जाती है, पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर जाता है. मतलब कि उसमें कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें सेवेज गटर का पानी मिलता जा रहा है, राइट? तो इसका मतलब यह है कि गंगा दिन प्रतिदिन, आप देखिए 2007 और उसके बाद 2011, गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है. ये किसकी बदौलत बढ़ रहा है? ये हम लोगों के कारण बढ़ रहा है, राइट? हालांकि अब तो नमामि देवी नर्मदे वगैरह प्रोजेक्ट आए हैं जो कि गंगा की सफाई के रेफरेंस में है, लेकिन वी डू होप दैट अवर गंगा विल बिकम वेरी क्लीन जस्ट इट यूज्ड टू बी एट गंगोत्री. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेस. सो व्हाट आर द रिसोर्सेस? हाउ टू डिफाइन द रिसोर्स? रिसोर्स मींस एनीथिंग व्हिच मे बी यूजफुल, which may be economically viable to we people, that are known as resource. मतलब कि ऐसा कुछ भी जो हमको उपयोग में आए, हमारे use में आए, वो सारा का सारा resources है. Basically, the terms related with the natural resources. So, what are the natural resources? Natural resources are those natural gifts given by Mother Earth, given by our universe to we people, which we are using for our own benefits. For our own economic reasons, they are known as natural resources, but they are limited. So we will have to conserve those precious resources. Now, what is sustainable management of resources?
sustainable management of resources means we will have to conserve these resources so that they can last for the centuries, so that the rate of replacement is equal to rate of exploitation. मतलब कि जितना हम खाते हैं उतना हम वापस उसमें जमा करते जाते हैं ताकि उसकी मात्रा बरकरार रहे. एक एप्पल के वृक्ष में मानो कि 10 एप्पल है तो 5 लेते हैं तो 5 नए आ जाने चाहिए ताकि एप्पल के वृक्ष में 10 के 10 एप्पल बना रहे, ठीक है ना. दिस इज नोन एज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मींस अ मैनेजमेंट अ प्लानिंग सो दैट आवर रिसोर्सेज डज नॉट डिप्लेट वेरी इमीडिएटली. This is known as sustainable management of resources. Now, what are the natural resources? Forest, wildlife. Forest means सारे के सारे herb, shrubs, plants, trees, सारे के सारे forest में आ जाएंगे, ठीक है. Wildlife means alive insects, birds, snakes, reptiles, tigers, snakes. All these are counted as wildlife. Water. Whether it is ground water, rain, monsoon, ये सारे के सारे water resources में आ जाएंगे. Pure air around us, right? अब तो अगर इसी तरह इंसान अपने resources को exploit करता रहेगा तो हो सकता है कि कल जिस तरह आज हमें पानी बिकता हुआ ले रहे हैं, हम पानी purchase करके ले रहे हैं, हो सकता है हमें एक दिन oxygen की भी tank लेके घूमना पड़े. इसलिए we should conserve our resources. Coal and petroleum, they are non-renewable energy sources and they will definitely be empty within few centuries, right? माना तो ये जाता है कि कोल जो है अगले 50 साल में पूरा हो जाएगा और पेट्रोलियम अगले 20-30 साल में पूरा होने वाला. So we should conserve our natural resources. In the next video, we will try to understand 5R, a talisman of 5R to save the environment. That is, refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. Refuse the polythene bag, it is not necessary. Reduce the use of electricity and other natural resources. Reuse whatever is possible so that it don't become directly waste. Repurpose the item so that rather than becoming waste, let it be utilized for certain different purpose. And recycle so that before going to waste, let the maximum utilization of that item may be possible. Thank you very much for watching.